ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। जहाँ मेरा कुछ बात रहा फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनाहल अकरम लोग, जो मेरे चैनल पर न्यू है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबा दें। सुबह का आगाज़ हो चुका है जी, माशाल्लाह नाश्ता तैयार हो गया। नाश्ता करने लगे जिस बहन भाई ने नाश्ता करना आ जाए। चलो अपने ब्लॉग की तरह, अल्हम्दुलिल्लाह जी सुबह हो चुकी है, माशाल्लाह नमाज कुरान पढ़ लिया, बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी आवाज़ आ रही है आपको, भाई के घर बैठे पढ़ रहे हैं। तो मैं अभी देखता हूँ किचन में क्या हो रहा है। बेगम की तबीयत ख़राब है कल से बहुत ज़्यादा, नाश्ता बना रही है फिर भी। अस्सलामुअलैकुम बेगम, क्या हाल है? तबीयत का सुनाए, कैसी है तबीयत? अब ठीक है, क्या कहूँ, खराब है ठीक है, जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप दवाई टाइम से लिया करें ना, आज फिर डॉक्टर के पास आपको लेके जाता हूँ, अच्छे तरीके से चेकअप कराता हूँ आपका। तो चाय बन गई है व्यूअर्स, तो रोटी भी बन रही है। आप ही कपड़े वगैरह इस्त्री कर रही है, आज बच्चों ने स्कूल जाना है। मैं दुकान पे जा रहा हूँ। हाँ मैं जा रहा हूँ दुकान पे। मौसम माशाल्लाह आज भी ठीक है, बादल हैं हल्के हल्के, कहीं कहीं बादल का कोई टुकड़ा नज़र आ रहा है, कहीं कहीं नहीं बल्कि ज़्यादा ही है। इस साइड पे तो बहुत ज़्यादा बादल हैं। क्या हो रहा है, क्यों भागे फिर रहे इधर इधर? मुझे पता है आप जाग रही हैं, बाहर निकले, चलो नाश्ता करें, स्कूल की तैयारी करें। नहीं इधर बाहर आए आप, नहीं उधर नहीं आना। मैंने बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। बहुत सर्दी है, शर्म तो नहीं आती आप लोगों को? चले बाहर आए, बेगम साहब नाश्ता बन गया जी। बेटा गोभी वाला सालन नहीं, अब खत्म हो गया। चले आए भाई, बिछाए इधर आ गए, दस्तरखान बिछाए, पल्ली बिछाओ उसके ऊपर बिछाए दस्तरखान, जल्दी आ जाए, गैस चलेगी तुम्हारी मम्मा का। चलें जी, ये बोरों की पल्ली हमने बना के रखी हुई है, चटाई भी है वैसे माशाल्लाह, तो चाय वगैरह गिरा देते हैं ना, इसलिए फिर यही बिछाते हैं बोरों वाली पल्ली। बच्चे इसके ऊपर बैठ कर आराम से नाश्ता कर लेते हैं, ठीक है इधर। तो मनाहल अभी तक बाहर नहीं आई? ओ नमूने आ जा, बेगम ले नाश्ता ले। मनाहल तुम्हारी मम्मा बुला रही है, कहती जल्दी आए आके नाश्ता रखें। काम वगैरह भी करा लिया करें अपनी मम्मा के साथ, आपको पता है उसकी तबीयत खराब रहती है। कल देख लो तबीयत खराब थी उसकी, फिर भी तुम्हारे साथ गई है तुम्हारी शॉपिंग करने के लिए ना, तो तुम्हें एहसास हुआ कि मैं अपनी मम्मा को दबा दूँ, उसका सर दबाऊँ, उसको उसके साथ काम करवाऊँ? किसी ने भी नहीं पूछा आपसे? इधर जाओ, मैं मेरी जगह यहाँ पर इस जगह पे। हाँ अच्छा जी ठीक। बाहर आओ इधर, आप इसे कोई ना बात करें, काम करें दो उसको जी। बेटा ये आपकी चाय है, ठीक है, ठीक है। मुंह में स्याही क्यों लगाई हुई है तूने? क्या करते रहे, पीते रहे स्याही को? नहीं तो जेब में हाथ क्यों डाला हुआ है? जेब में क्या है?
चलें बैठें। हाथ धोए आपको पता है यहाँ तो मैंने बैठना है, फिर आप वहाँ पे बैठ के अपनी जगह पे बैठें। इधर ही बैठते हैं, आगे भी उधर बैठते हैं, वो जहाँ पे आपकी शादी पड़ी। नहीं यार फिर बहुत कहें करते हैं इधर छत के ऊपर। देखें कितने कवे बैठे हैं अभी उधर, मैं इनको दाना वगैरह डाल के आया हूँ। यार नहीं करो यार, अभी आ जाना, ये बात नहीं करने देंगे, बहुत शोर करते हैं ये। तो नाश्ता हमारा जी माशाल्लाह रेडी हो गया, सारे बच्चे आ चुके हैं, हमाद मनाहिल और इधर मेरा नाश्ता पड़ा है। उधर इधर आ जाओ नमूने, आ जाओ, तुम्हारी इंतज़ार है। तुम्हारी मम्मा कहती है मुझे किसी ने पूछा भी नहीं अभी, मम्मा आपकी तबीयत कैसी है कोई। अच्छा अच्छा, सब ने पूछना ही था, बस पूछा नहीं किसी ने। अच्छा जी, कोई भी नहीं आया पूछने के लिए, ऐसे सब अपने अपनी बारी बारी पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप तो पढ़ रहे थे इधर, तो मैं पूछने आया था, पढ़ ही रहे थे ना, आप कौन सा पूछ रहे थे अपनी मम्मा से। ये देखे ना, मैंने जैसे कि बताया था ना, ये बच्चे चाय वगैरह गिरा दिए, हम आपने चाय गिरा भी दिया सुबह सुबह, ये काम करते हैं। कप ऊंचा नहीं हुआ सीधा, आप पूछा नहीं बराबर है। पानी दे मुझे, घरों में अपने बच्चों में शाद बात रहे हैं, सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, इस महीने में नाश्ता करना आ जाए, तबीयत खराब है। कल से ना मेरी कंधों में मुझे इतनी इधर दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, इतनी दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। नाश्ता करें, स्कूल की तैयारी करें, स्कूल में पहुंचो, स्कूल में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा की शरारत नहीं करनी, समझ आई। इतना तंग करते हो ना तुम लोग जब स्कूल की तैयारी करते हो, और क्या करते हो। मैं नहीं कर रहा तंग, इधर बाहर आ, तुम मनाल छिप गई, जल्दी आओ। तुम उल्टे नाम क्यों, हर वक्त उसका उल्टा नाम लेते हो। छिप गई है, हर नाम उसका उल्टा है। मनाल बैग जल्दी आओ, ये उल्टा नाम है। बहुत जलील करते हो तुम, एक तो तू वाल जो इतना बहियां होता ही, क्यों शरारतें कर रहे हो अब। ये ऐसे ही मुझे मारिए मनाल चुटकुली। स्कूल जाने का तरीका इनका आप चेक करें, पहले इन्होंने लड़ाई झगड़ा शरारतें मार कुटाई, फिर इन्होंने जाना है। उधर उधर मेरे पीछे कहाँ भाग जाती हैं, चले उधर। आप शरारतें कर रही थी ना पहले, आप उसको मार रही थी, अब क्या हुआ। चले उठे, अर्धगुल की पूछ, जल्दी उठ, उठ जाए, चले उठे, छोड़े रोना, खेल खेल में रोने लग जाती हो, फिर खेला भी ना करो अगर रोना होता तो। फिर मैंने भी रोका था आपको, रुक जाओ मेरे पीछे ना छुपो, आप रुकी है। इसको पकड़ के लाओ, पकड़ो इसको, वो तो खड़ी हो गया, इसको पकड़ के लाओ, पकड़ो, एक जाना ना, एक जाना है, ये मारा क्यों,
ਛੱਡ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਬਈ ਤੂੰ ਨੇ कपड़े खराब हो गए सारी वर्दी नायल भास्कर नायल तो बेगो मैं जा रहा हूँ आप दुकान पे चले नहीं बैठ जाऊंगा मैं घर से निकल आया हूँ दुकान पे जा रहा हूँ बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं मेरे आगे आगे पठानों का बच्चा जा रहा है स्कूल एक अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई क्या हाल है ठीक है तबीयत कैसी है बिल्कुल खैर खैरियत है बाबा लियाकत भी निकला उधर से जा रहे ये कौन है ताया आ फट ताया पापे दे ताया ही है जी है ऐसे ही चाचा लियाकत आपको चाचा सदता है मुजम्मल दे भी चाचा चाचा लियाकत दे भी चाचा निके बाने जो जब आदमी हो जाता है ना वो बड़ा 60 साल से ऊपर होता है फिर बच्चों में शुमार हो जाता है तो फिर चाचा लिया कहता बच्चों में शुमार है ना चीज लेनी है चीज है घर फिर ला लेंगे चीज भी लेनी है जी उन्हें ओ शापर भर दिता बाबे ने हिबा मैं भी पापे खाने आज मैं भी पापे खाने हैं एक 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 चाचिन दे मुझे दे एक एक चाचिन दे काट ये अकेले पापे खाऊंगा मैं तो चाय चाय से खाए बाद चाय की तरह फिर अब पापे तो आगे चाय भी लेके आए ना चाय भी लेके आए ना खोले शापर को हाँ चाय भी लेके आना फिर खाएंगे ठीक है चले अब जाए चाय लेके आनी है ठीक है नहीं मारो कीड़े को ना मनाहिल और रेहान आ रहे हैं स्कूल के लिए बड़े मास्क शासल गाय खैर है इसके नजर ना लग गई अच्छा चलें फिर नजर लग गई तुम्हें तो व्यूअर्स मैं घर आ गया हूँ दोबारा बेगम का हाल वाल लेते हैं उनकी तबीयत खराब है अगर ठीक है तो सही है नहीं तो फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा घर पहुंचने वाला हूँ अस्सलाम वालेकुम क्या कर रही है क्या काम कर रही है क्या अच्छा शिवार तो ये क्या है किसका है ये कमीज आपका तबीयत कैसी है आपकी ठीक है शुक्रिया डॉक्टर के पास चले एक बार चेक करवाए यार दोपहर को फिर आपने कहना कि मेरी तबीयत खराब हो गई है तो रोज़ रात परेशानी बन जाती है ना डॉक्टर का नाम क्यों ना लो फिर परेशानी बन जाती है अभी इतनी तबीयत खराब है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाती नहीं है ये किसका ये मनाहिल का ये और भी क्या है मनाहिल के लिए मनाहिल के सूट बड़े हैं अच्छा माशाल्लाह प्यारा है सादा ही है ये नीचे बस लेस लगाई है ये 200 की इसलिए तो पैसे खर्च हो रहे हैं तो दिमाग खराब हो रहा है अच्छा ये 250 की लेस आई है अच्छा हाँ जी नजदीक करके दिखाएं लेस कितने की आई है लेस ये 250 की आई है 250 की लेस आई है ये हाँ जी अच्छा एक ये मनाहिल का ये भी मनाहिल का है हाँ जी इसके बाद मनाहिल के तो फिर 4 सूट हो गए बड़े सूट हो गए इसके बड़े हो गए ये आपकी की शलवार है ये लेस लगाई है कल लेके आई थी ख़त्म हो गई थी लेस सुबह फिर लेके आई कल नहीं शाम को गए थे अच्छा ये लेस लेने तो गए थे अच्छा ज़रूरी काम यही था 200 की 250 की जी आई है 120 रुपये गाज आई है अच्छा दो तो अब इसको छोड़े तो चले डॉक्टर के पास चलते हैं डॉक्टर के पास मैंने नहीं जाना
ये तो बात नहीं है, फिर आप जब तबीयत खराब होती है ना तो फिर आप कहती मुझे छेड़ना, मेरे मुझसे कोई बात ना करे। जब मेरी तबीयत खराब होती है मैं कहती मुझे तो मैं कहता हूँ चले डॉक्टर के पास, मैं आराम से बैठ जाऊँ, मैं सो जाऊँ, मैं ठीक हो जाऊँ। अभी मेरे गैस आ गई है, अभी खान रोटी करनी है। क्या बना रही है? दाल। कौन सी दाल बना रही है? चने की और मसूर। चने की और मसूर की दाल। हाँ जी, इसमें कीड़ियाँ हैं क्या? नहीं, वो दाल का कचरा है। चल मैंने ना जाना है दोपहर को, कोई सवारी लेने चौक पे। पापरा चक्की वाला ने मुझे फोन लगाया था, तो कहता था सवारियाँ लेके भी आनी है, फिर दोबारा से उठ के आनी है, खाना पाना खाने के लिए। कहाँ लेके आनी है? चौक से। वो चौक से उठानी है, उनके घर छोड़नी है। अच्छा, वहाँ से उठानी है, फिर चौक पे छोड़नी। क्यों? पता नहीं, कोई मेहमान आ रहे हैं, उनका कहीं से आ रहे हैं, कोई दावत पे आ रहे हैं या कैसे हैं। अच्छा, चल। तो व्यूअर्स हमारे जो है ना, कमेंट जो है ना वो बंद है, बहुत परेशान हूँ। कल भी सिर्फ एक घंटे के लिए कमेंट खुले थे, तो आज अभी तक कमेंट नहीं खुले, 12 बज चुके हैं तो कमेंट नहीं खुले। तो अगर खुलते भी हैं तो एक घंटे के लिए खुलते हैं, उसके बाद फिर बंद हो जाते हैं। तो मैं सब बहन भाइयों से और फिर माजर करता हूँ कि वीडियो हम सब की देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कमेंट खुल नहीं रहा, कमेंट जाता ही नहीं है, तो फिर हम क्या करें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कमेंट कैसे नहीं हो रहा है, क्या मसला है उनका, आ रहा है क्या इशू आ रहा है, हम जिसके ऊपर भी जिस वीडियो के ऊपर भी कमेंट करते हैं वो कमेंट नहीं आता। ये जी मेरा भी सूट है, इसको तरपाई कर रही हूँ, लैस लगाई है, इसको तरपाई कर रही हूँ। तो कमेंट मैं आपको दिखाता हूँ जी, स्टॉप। ये देखें जी, जैसे ये मोबाइल चल रहा है तो इसकी मैंने सिर्फ दिल का ही आपको निशान दिखाता हूँ। ये देखें, पहले मैंने इसके ऊपर कमेंट किया है लेकिन वो कमेंट नहीं गया। ये देखें, ये मैंने भेज दिया इसके ऊपर, ये जैनब का चैनल है। तो अभी चेक किया, नहीं है। ये देखें, ये निशान आया था, यानी कि आपका कमेंट नहीं पहुंचा। तो इस वजह से मैं वीडियो सबकी देख रहा हूं लेकिन कमेंट किसी को नहीं हो पाता, इसलिए मैं माजरा चाहता हूं आप सब बहन भाइयों से। का मोबाइल लेके उसके ऊपर ये वीडियो बना के तो मैं आपको भेज रहा हूं, क्योंकि मेरा दूसरा मोबाइल ख़राब है। आप ही ने सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी है, मिर्चें प्याज काट लिए हैं। बेगम मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेके, तो मैंने आपको बताया था कि सवारियाँ लेने जाना है मैंने। हाँ, वापस आऊँगा मैं, इधर चौक पे जा रहा हूँ ना, चौक से सवारी लेके इधर आऊँगा, इधर छोड़ के फिर मैं आ जाऊँगा घर, खाना वाना खाऊँगा फिर वापस छोड़ के आऊँगा उनको। दो चक्कर लगेंगे मेरा। खाना बन गया? बन रहा है। रोटी बन गई है? दाल बन रही है? कौन सी? बिफलान गोलियाँ लेके आऊँ? चलो ले आऊँगा। गाड़ी के ऊपर से कपड़ा मैंने उतार लिया है, अब मैं इसका तेल चेक करूंगा। तेल मैंने चेक कर लिया है तकरीबन, तो ये मैंने पैमाना रखा हुआ है। ये देखें, यहाँ पे ये आपको गीला गीला नज़र आ रहा है ना, यहाँ तक पेट्रोल है 1 इंच, इनके इसमें 1 लीटर से कम है तेल। तो इसमें मैं पेट्रोल डालूंगा, क्योंकि ये पेट्रोल मैंने रखा हुआ है इधर। और इसका मैं रेडिएटर का पानी चेक करूँगा कि रेडिएटर में पानी है या नहीं, क्योंकि गाड़ी का असूल है। हाँ, पानी है इसमें, क्योंकि और डालूंगा तो ये नीचे बहेगा तो फिर काम ख़राब होगा। वैसे डालता हूँ थोड़ा सा और। तो ये देखें, मैं गिलास में पानी लेके आऊँगा, थोड़ा सा डलेगा इसमें। ये भर गया, बस फुल हो गया। ये देखें, पानी नज़र आ रहा है आपको। तो गाड़ी जब भी आप निकालें, सबसे पहले उसका तेल पानी चेक करें, उसके बाद उसको सल्फ मारें। तो ये देखें जी, ये मैंने पेट्रोल रखा हुआ है, अब इसमें डालने लगा हूँ। इसमें ना मैंने तकरीबन 1/2 लीटर पेट्रोल और डाला है, क्योंकि मैं फिर दोबारा इस बोतल को भरवा के रखूँगा। ये बोतल जो है एक भरी हुई होनी चाहिए, घर में पड़ी होनी चाहिए, रात को किसी भी वक्त निकलना पड़ता है तो फिर पेट्रोल होना चाहिए घर में। बेगम साहब पूछ रही है जी, क्या कल आपने चेंज किया? ये जो सोचे ना, यहाँ पर लगाया मैंने, ये देखें। हाँ, ये ब्रेक लगाते हैं ना, अब लाइट जलेगी। मैं स्विच लगाता हूँ, देखें पीछे जाकर। नहीं देखें जाकर बताएं, वो जल नहीं रही थी ना लाइट। हाँ था, सोचा था लेकिन चल नहीं रहा था, और जगह था। हाँ, जल रहा है? जल रही है बत्ती? बत्ती जल रही है? हाँ जी, हाँ जी। सर हिला रहे हैं। नहीं, सर हिलाने से नहीं ना। हाँ, अब कौन सी बत्ती जल रही है? पीछे नीचे वाली बत्तियाँ लगी हुई दो। हाँ, वो तो जल रही है। जल रही है, अभी जल रही है। ओ बंद है यार, क्या करती हो बेगम तुम भी? मुझे क्या बता? अब चेक करें। हाँ, अब
अब जल रही है। मिल की दीवार के साथ साथ जा रहा हूँ, ये रोड बनी हुई है, फाटक क्रॉस कर आया हूँ मैं। चौक पे आया हूँ सवारी लेने के लिए, गाड़ी ये खड़ी है। मिल वाले एक गोदाम और बना रहे हैं चीनी का। तो मैं सवारियाँ उठा के ले आया हूँ चौक से, छोड़ी हैं कामरान चक्की वाले के घर। अब वापस आ गया हूँ, खाना खिलाना खा के फिर उनको वापस छोड़ के आना शाम को। पता नहीं कब जाते हैं, एक घंटे बाद जाएंगे, दो घंटे के बाद जाएंगे, जब भी जाएंगे उनको छोड़ के आऊँगा वहाँ पर।